हेलो स्टूडेंट्स टुडे अवर टॉपिक और चैप्टर इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं इसके बारे में हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में और जो वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके बारे में भी हम इसकी स्टडी करेंगे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए ज़रूरी हैं या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है इसके बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कशन की जाएगी सो लेट्सटार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निमरिस टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल वाटर एंड एयर दे आर सो स्मॉल दैट वी कैनोट सी दैम विद द अन एडेड आई दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉयल वाटर और एयर के अंदर प्रजेंट हो सकते हैं uh, ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ यू नो सब एड इसे देख सकते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप ज़रूरी है माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इन्हें देख सकते हैं हम अपनी आँखों से डायरेक्टली इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत स्मॉल है वी कैन सी दैम ओली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी यू नो जिस स्टडी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं राइट right? Uh, उसे हम क्या बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी एंड द साइंटिस्ट हुटडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजिस्ट जर्नरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नंबर वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एदर वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और अ कलेक्शन ऑफ अन डिफ्रेंशिएटेड सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ज़्यादातर वन सेल्ड होते हैं यानी कि सिर्फ एक सेल से ही बने होते हैं लेकिन हाँ कुछ जो हैं मल्टीपल सेल्स के भी हो सकते हैं दे आर विजिबल ऑली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप इन्हें देख सकते हैं लेकिन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इसे देख सकते हैं दे अकर इन एयर वाटर सॉइल इन एंड ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये आप कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते कहाँ हैं या रहते कहाँ हैं ये आपको एयर में हो एयर में मिल सकते हैं वाटर के अंदर मिल सकते हैं सॉयल के अंदर मिल सकते हैं या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ये मिल सकते हैं दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड रॉट इन होट वाटर स्प्रिंग्स एज वेल एज इन डेजर्ट्स एंड माशी लैंडस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकेंगे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जस्ट कर सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो या फिर वहाँ पर बिल्कुल ही पानी ना हो तब भी वो एग्जस्ट कर सकते हैं कुछ तरह के जैसा कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हो सकते हैं डेजर्ट्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम अवेलेबल हो सकते हैं और मार्शी लैंड्स पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हो सकते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द माइक्रो ऑर्गेजम इनक्लोज दमसेल्फ इन हार्ड रेजिस्टेंट कवरिंग कॉल्ड द सिस्ट वेन एनवायरमेंटल कंडीशन बिकम फेवरेबल द दिस रेपचर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम आउट एंड मल्टीप्लाई जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एक हार्ड लेयर के अंदर कवर कर लेते हैं ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसका इफ़ेक्ट उन पर ना पड़े वो जो हार्ड लेयर बनाते हैं अपने अराउंड उसे क्या बोलते हैं सिस्ट जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तो वो अपने उस सिस्ट को हटा देते हैं और बाहर आके अपने रिप्रोडक्शन स्टार्ट करके यू नो मल्टीप्लाई होते हैं यानी कि मात्रा में बढ़ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी ऑटोट्रोप्स हेड्रोट्रोप्स सेप्ट्रोफिटिक और पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी तरह के हो सकते हैं जैसे कि ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं हेड्रोट्रोप्स भी हो सकते हैं सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू अस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज सम आर हार्मफुल वाइल सम कॉज डिजीज Uh, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं हम घर पे भी यू you नो know, हम उनसे कुछ काम ले सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे यूज़ होते हैं uh, लेकिन कुछ जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए काम के नहीं होते डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अ नेक्स्ट टॉपिक द डिस्कवरी ऑफ एंड द डिस्कवरी एंड आवर नॉलेज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लोजली रिलेटेड विद द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रो uh, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बेसिकली हम जानने तब लगे जब हमें हमारे पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल हुआ उससे पहले हम उसे देख ही नहीं सकते थे तो हम उसके बारे में जानते कैसे चलिए एंटन बॉन लेवन अ डच मैन डिस्कवर्ड वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स इन रेन वाटर यूजिंग हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप ही ऑल्सो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने रेन वाटर के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ निकाला था विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप एंड बाद में उन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी लुइस पॉस्चर द फादर ऑफ बैक्टीरियालॉजी डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एयर एंड कंक्लूडेड दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल

डिज़ाइन सेवरल टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने क्या किया था बहुत सारी टेक्निक्स डिज़ाइन की जिससे हम बैक्टीरिया को हैंडल कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ हेल्प इन द डिटेल स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशन विद द ह्यूमन बींग्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने के बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और डिटेल में स्टडी कर पाए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बींग्स के साथ उनके रिलेशन किस तरह का है कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं हमारे लिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन से बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे हैं कौन से नहीं हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स दे कैन बी फाउंड इन एयर हवा में हो सकते हैं सॉइल ऑफ वेरियस टाइप्स इंक्लूडिंग सॉइल ऑफ डेजर्ट्स मार्शी लैंड्स सॉइल के अंदर हो सकते हैं वाटर इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर सॉल्टी सी वाटर एंड आइस कोल्ड वाटर ऑन द पोल्स पानी में भी हो सकते हैं चाहे वो किसी भी तरह का पानी हो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं इनसाइड एज वेल एज ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूम्स किसी ह्यूमन की बॉडी पे या फिर एनिमल्स की बॉडी पे uh, बॉडी पे या बॉडी में हो सकते हैं सम ऑर्गेनिजम्स या सॉरी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगस एंड बैक्टीरिया में लिव इन कलोनीज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा ये अकेला रह सकता है लेकिन जो फंगस है और बैक्टीरिया जैसे हैं ये कलोनीज़ यानी कि काफ़ी मात्रा में एक जगह पर अवेलेबल होते हैं ठीक है अभी इस टॉपिक के बाद हम मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रीड uh, करेंगे बट बिफोर दैट यू हैव टू लर्न द अबव टॉपिक्स इसे आप आराम से समझिए मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी जो मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे राइट थैंक यू